आपने तो देखा नहीं होगा नागार्जुन, देखा तुमने? आपने वो जो साउथ में जो है एक एक्टर उसका बेटा भी अल्लू अर्जुन। नागार्जुन, उसका बेटा अल्लू अर्जुन है। हाँ तो मेरे मामा जी को इधर देखो, मामा जी इधर आओ। तो दोस्तों आप गौर से देखना, जो साउथ में आपने नागार्जुन देखे होंगे, जो मास एक मूवी नहीं आती हाँ मास, मास तम है हाँ तो ब्रोकली, तो गाना उसमें जो कहते हैं भी बिल्कुल था, उन्हें गाना कितने लगते हैं मामा जी, बस थोड़ी मूंछ और थोड़े बाल वैसे बड़े कर भी ले, था। बिल्कुल सेम वैसे लगते हैं मूंछ नागार्जुन। सही में थोड़े ना तो थोड़े और तगड़े हो जाए जरा, अभी थोड़े पतले हैं वैसे ना, ऐसे तगड़े हो जाए ना मामा जी, तो तो बिल्कुल सेम मास की तरह करना। लगेंगे नागार्जुन की तरह, मूंछ थोड़ी ऐसे कटिंग वटिंग करके और थोड़े पहले बाल लगते थोड़े थे कि जब बड़े बड़े मूंछे बड़े। भी थी ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने मामा जी के घर और मम्मी काफ़ी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। कैंसर हॉस्पिटल, ये किधर की तरफ है, कहाँ सा है? अच्छा, क्या है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट है तो अच्छी बात है। ये आ गया है नौकरौंदा चौक देहरादून का हमारे, ये जो जा रही है हरिद्वार के लिए, ये जा रही है देहरादून सिटी की तरफ। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है क्लॉक टावर, जो कि मार्केट है मेन देहरादून का। यार थोड़ा आराम से चला जाएगा। देहरादून का सबसे गंदा जाम वाला एरिया जोगी वाला, डेली यहाँ पर जाम लगते हैं, लंबे लंबे जाम, बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदे है। और शाम के टाइम तो बाप रे, पूछो मत भाई। सारे ऑफिस वालों की छुट्टी शाम के टाइम पे, इतना जाम, या रोड ही नहीं है इधर। यहाँ यहाँ फ्लाईओवर पर देना चाहिए बॉस। तो वह गाड़ी ख़राब हो गई, देखो गाड़ी ख़राब हो जाए तो और दिक्कत, फिर तो यहाँ और जाम। पानी डाला गाड़ी में, इंजन में, इंजन गर्म हो गया लगता भाई का। सारी घेर रखी है देखे रोड के, देखो ना मैं सब घेर रखा है, सब घेर रखा पता नहीं लोगों ने। पांटा 53 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश। अंकल नमस्ते अंकल, 1 किलोमीटर है मिक्स। भैया लीजिए 1 केजी मिक्स। पिन्नी नारियल, हाँ भैया हमारा है। हाँ आओ मैं, चलो क्या चाहिए है, ला दो। घर नहीं आ रहे, घर कहाँ है आपका? चलो घर जाओ, स्कूल नहीं जाते? इस उम्र में स्कूल जाना है और बाहर घूम रहे हो है? देखना उसकी मम्मी ऐसे, मम्मी देखो यार। यार मम्मी स्पीड ब्रेकर बहुत गंदे लगते हैं, देखो गली गली में एक और स्पीड ब्रेकर। अब दे यार ये क्या है यार, स्पीड ब्रेकर ही दे रखा है गली गली में, 10-10 कदम पे स्पीड ब्रेकर है यार यहाँ। हेलो ब्रो, मॉर्निंग। हाय
है ब्रो, कैसा है? नमस्ते नमस्ते, आजा सही है मामू जी। नमस्ते, क्या लगा रहे हो अंकल? मामू जी नमस्ते। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मामा के घर, और ये है हमारे मामा जी का बेटा पिंचू आदित्य, और ये अभी एमसीए चल रहा है इसका दून से ही, देहरादून से। विच कॉलेज? ग्राफिक है। डीम। फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट तेरा? नहीं चल रहा है। चल रहा है हाँ। क्या फिर क्या है अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर? देखते हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है हाँ, प्लेसमेंट अगले ईयर ही होगी। अच्छा हाँ, तो दो साल का है ना इसका कंप्लीट तेरा? हाँ दो साल का है एमसी। दो साल तीन साल के होते हैं अब? दो मोस्टली दो को हो चुका है, मतलब पहला दो थ्री ईयर का था, दो ही को हो चुका है। अच्छा, तो इसमें कुछ तेरा सब्जेक्ट है पर्टिकुलर की कोई इसी सब्जेक्ट? नहीं नहीं नहीं, मतलब वही जैसे बीटेक वाला कंप्यूटर साइंस वही हुआ। और मैं अभी एक और मामा जी की फैमिली मेंबर से मिलाता हूं, जो कि मेरी मामी हैं, और ये किचन में काम कर रही हैं, ये भी बिजी हैं थोड़ा सा। बिजी काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, मेहमान आए हैं तो थोड़ी और खातिरदारी हो रही है। और हमारे घर नहीं आते मामी आप? आएंगे जरूर, आएंगे बिल्कुल। नाती से मिलने आना अब जरा अपनी दीदी, फटाफट इंतजार कर रहा है कि मेरी नानी कब आएगी। हाँ दादी मेरी, दादी मेरी बानी दादी कब आएगी? आपके कोटा घूम के आया भी कल ही परसों? हाँ सिद्धवली मंदिर गए थे घूमने, वहाँ भी गए, और शादी भी वहीं भी गए थे, कुछ अटेंड करी हमने। हाँ बढ़िया थी, अच्छी। अरे इतना भीड़ था ना भंडारा, और मम्मी और ये रक्षा तो कह रहे थे कि हम खाना नाश्ता करके आएंगे, खाना खा के आएंगे वहाँ से, और इतनी भीड़ क्यों? हाँ बहुत भीड़ थी ना, अभी हमें देहरादून भी जाना था ना मम्मी, वो नंबर ही नहीं आता भाई भंडारा का। यहाँ ही तो है, बहुत टाइम लगता है। मामा जी दुबई से कितने साल बाद आए? दो साल बाद। पिछली बार जब आई थी पीहल हुई थी, पीहल हुई थी जब, पीहल थी ना जब, पीहल हाँ डेढ़ महीने की थी वो, डेढ़ दिन में रख चला, दो साल गया था। तो आपकी इस बार कितने दिन की छुट्टी है? दो महीने की। अभी भी देख लो, अभी सुबह देख रहे थे अपना वीडियो हमारा, देख रहे थे कोटद्वार का था, हम आए थे बना के, क्या करें लाइफ में, कुछ नहीं है रखा, बस एंजॉय करनी है, जो दिल करना है, जो मन करता है वो करना है, कुछ नहीं है लाइफ का, मेरा तेरा पैसा कुछ नहीं है, सब रह जाएगा ही, सब ही मर जाए, पता नहीं किस दिन मृत्यु हो जाए किसी, कुछ पता नहीं बॉडी का कब बटन ऑफ हो जाए, कुछ पता नहीं। तो लाइफ खुल के जीनी है, जी भर के जीनी है, और अपने फैमिली में सबको इंट्रोड्यूस करके चलना अपनी यूट्यूब फैमिली से, और एक्सप्लोर करनी लाइफ खुल के जी भर के। मैं देखी तो थी, बहुत देख तो रहे थे, तो थी दो पार्ट में बनाई थी ना, दूसरी में सिद्धि की दर्शन की बनाई थी हमने, हाँ बीच में क्या है, मैं तो आ जाऊंगा शायद बीच में, गांव जाऊंगा शायद से, अभी बीच में घर जाएगा काला कर पड़ा ले से रे, मां ने की ने बनाई है चाय, तो उसका नाम अगर मैं आ जाऊंगा इस तरीके से हैं, पापा के साथ चल जाऊंगा। अच्छा काला कर यार, हां कि पेपर तो ऑनलाइन है, पेपर ऑनलाइन है, देख दूंगा एक तारीख को आ जाऊंगा, मेरी मैं भी जा रहा ना सीधा, इसलिए जाना पड़ रहा है अभी। चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं बढ़िया सी जगह, चलेंगे कहाँ चले भाई, अच्छी सी जगह बनाएंगे, घूमने चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे देहरादून, उत्तराखंड, उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी जगह थी यार, पर वो ये ना कि टाइम मिला ही नहीं, इसने ऊपर की साइड करा कुछ, वो तो चले के ऊपर पड़ गई थी। अच्छा पहली बार कोड़दा की तरफ 10-15 साल सुना है? नहीं नहीं चले चले इनकी तरह से ऊपर है, सीधे वाले जो सीधे के मुड़ जाते हैं, तो बहुत ही मटर से मुड़ जाते हैं। अच्छा पर बड़ी है इस बार, तो वो हाथी बहुत आते हैं, हाथी चले के ऊपर लगे हैं ना, दोस्त गांव हाथी तो आते रहते हैं, जंगल का एरिया पूरा वो। अभी जब हम कोटद्वार से आए थे तो बांघाट से होते हुए आए थे, वो बांघाट कह रहा हूँ लाल ढंग से, लाल ढंग से आए, इतने गड्ढे मुश्किल नहीं है,
वो पुल जो फ्लाईओवर बन रहा है उसी के ऊपर वहां से वो काम तो रुक गया, जो फ्लाईओवर जो चल रहा था उधर काम थोड़ा ऊपर नीचे कुछ 100 मीटर था वो खराब था, बाकी सही था, बाकी फिर थोड़ी मोटी रोड थी सही। 50+ है उम्र है मामा जी की। लेकिन एक बताओ मम्मी, आपने तो देखा नहीं होगा नागार्जुन, देखा तुमने आपने जो साउथ में जो है एक एक्टर उसका बेटा भी अल्लू नागार्जुन, उसका बेटा अल्लू अर्जुन है। तो मेरे मामा जी को इधर देखना, मामा जी इधर आओ। तो दोस्तों आप गौर से देखना, जो साउथ में आपने नागार्जुन देखे होंगे, जो मास एक मूवी नहीं आता मास तो है, तो ब्रोकली तो उसमें जो गाना में था, गाना में कितने लगते हैं मामा जी, बस थोड़ी मूंछ और थोड़े बाल वैसे बड़े कर दे, बिल्कुल सेम वैसे लगते हैं नागार्जुन, सही में थोड़े ना तो थोड़े और तगड़े हो जाए जरा, पतला सा बिल्कुल है, इतने जैसे होते तेरे ये जो है ना जितना कमर ये तेरी कलाई है, सॉरी जो कलाई है इतने जितना तेरा बाइसेप्स था ये। तो ऐसे करना, ऐसे कर यूं। क्या चिकन विकन कुछ हाँ खा लेते हैं बीच में, एक हफ्ते में एक दो बार चिकन, एक बार मच्छी कभी, फिश भी, करी करी, फिश करी। तो बॉयल चिकन खाता है, वैसे खाता है बना के, वैसे ही बना के खाता है, बॉयल रॉयल कुछ नहीं खाता ऐसे। हाँ ठीक है, दोनों का स्वाद ले रहे हैं, चिकन का भी और उसका खाने का भी है, इससे कुछ नहीं है। वेजिटेबल मतलब सब्जी में कभी कभार वो खा लिया, ये क्या है ब्रोकली, हाँ ब्रोकली वही सही रहती है। मम्मी आपने भी तो लाए थे ना ब्रोकली एक बार, क्या ब्रोकली, ब्रोकली गोभी टाइप की रहती है, हरी हरी गोभी टाइप की, हमने कभी खाए नहीं वैसे ब्रोकली, मम्मी आप लाए थे तभी खाई थी, हमने वैसे खाई नहीं थी। उसे पता कैसे खाते भैया, हाँ हाँ फूल गोभी तो होती है व्हाइट कलर की, फूल गोभी आती है वो, उबाल होती बस वो, उसे उबाल के खाना चाहिए, वरना अगर तुम वैसे जिम जा रहे हो ना उबाल के थोड़ा अच्छी होती है, काफी हाई प्रोटीन होता है उसमें। बड़ी बड़ी काटो और खाली वही वही बनाओ ब्रोकली, आलू मटर कुछ मत डालो, बहुत अच्छी बनती, टमाटर डालो उसमें कितने बढ़िया बनते। स्पोर्ट्स जो ज्यादा स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो ज्यादा ये तो यूज करते हैं ब्रोकली, जो वो होते हैं ये वीगन, जैसे विराट कोहली है वो जो नॉनवेज छोड़े ना, वीगन है, वीगन 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 डाइट लेते हैं, वीगन डाइट में ऐसा होता है ना कि मतलब हर चीज वीगन होती है, रोनाल्डो है दूध भी उनका अलग से होता है कुछ ऐसा होता है। अरे उनका तो डाइट हाई प्रोटीन हाई सब कुछ इम्पोर्टेड ही होता है, वो पता नहीं इंडिया का यूज करते हैं या नहीं करते होंगे भाई, अलग ही है टॉप लेवल के जो होते हैं एथलीट, उनके अलग ही तो प्रो लेवल के हो गए, इंटरनेशनल प्लेयर है, उन पर तो पैसा है, तो पैसा है, पानी भी बाहर का पी सकते हैं। कौन सा होता है एल्विस पानी होता है, साउथ अफ्रीका से आते हैं कहते हैं, भूल गया नाम उसका, विराट कोहली आज था कुछ न्यूज़ में, विराट कोहली हाँ कहते हैं कि विराट कोहली का बाहर से पानी आता है, बाहर का पानी शायद साउथ अफ्रीका कहते हैं, साउथ अफ्रीका एल्विस ऐसे कुछ कहते हैं, एल्विस पानी पीता है अलग कोई है शायद, मैच के दौरान पीता है ड्यूरिंग मैच, उसके बाद थोड़ी तो करण के साथ में गया तो था बीटल आश्रम, वो मतलब बीटल आश्रम भी कहते हैं हम जिसे, 84 कुटिया भी कहते हैं। एक बार हम गए थे ऋषिकेश घूमने, तो करण के साथ हमें पहले हमने ऋषिकेश की वीडियो बनाई, उसके बाद क्या हुआ कि हमने बनाई तो कैमरे में पता नहीं क्या हुआ मेरा माइक को कि उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, और वो 84 कुटिया घूम के आगे इधर उधर घूम के आए, इधर वीडियो बनाई, करण कभी उस गुफा में जा रहा, कभी उस कुटिया में जा रहा, नीचे ऊपर कर जा रहा, अंदर से कच्चे भी हैं वो, कभी टूट गए कुछ पता नहीं, सीढ़ियाँ ऐसी कर रही है, हाँ भी बना रखी है, बैंड भी थे पहले तो मैं सोच नहीं सका, वो एक हॉल टाइप का नहीं जिसमें बैंड फोटोज है, वो मैंने भी अपने वॉलपेपर स्क्रीन में लगा रखे हैं यूट्यूब के चैनल पे, पीछे बैकग्राउंड वॉल पे लगा रखे मैंने, तो उसमें था फोर लोग वहाँ ड्रोन उड़ा रहे कुछ कर रहे, वो देख रहे मुझे ऐसे करके, मैं भी देख रहा हूँ रिकॉर्ड कर, करण हो मैगी मांगने लगा वहाँ पर, मैगी चाहिए मुझे, अरे हाँ उससे आगे ही है इधर एक जैसे कहते हैं 84 कुटिया ऋषिकेश।
करण मैंने सब हम वहाँ रिकॉर्ड करने के 84 कुटिया में ना वहाँ मामा जी 84 कुटिया जो ऋषिकेश में है वो 84 जो छोटी छोटी कुटिया होती है ना नदी के जो पत्थर होते हैं उनसे बनके है वो तैयार हुई है। अच्छा, जो हर जो ऋषि मुनि होते हैं ना मामा जी जो ऋषि मुनि होते हैं वो ध्यान करते हैं वहाँ पूजा करते हैं साधना करते हैं तो उन्हीं के लिए बनाई गई थी। के समय पे एक बाबा जी ने जो थे महर्षि योगी नाम का महर्षि योगी जी तो वो पट्टे पे लिखी हुई जमीन कोई भी जमीन थी तो पट्टे में ली थी और लीज पे ली थी जमीन तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना करने के लिए बनाया था तो वो फिर खत्म हो गया। फिर वो बाबा जी भी फिर उनका सब कुछ फिर ऐसी रहा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया तब वो गवर्नमेंट के अंडर राजा जी रिजर्व जो टाइगर पार्क है राजा जी नेशनल पार्क उनके उसमें आ गई कंट्रोल फॉरेस्ट के उसमें तो वहीं रखते हैं ऐसी थोड़ी केयरिंग ज्यादा नहीं होती इसलिए तो बढ़िया जगह है ना वहां बढ़िया रहे हैं वहां कुछ कर रहे हैं आर्मी वाले काम चल रहा है। आर्मी वाले तो मैंने नहीं देखे देखने में जब गया था पहले आर्मी वाले मैंने नहीं देखे तब करण मैं हम खूब घूम रहे उधर जा रहे इधर उधर जा रहे ये वो करके गत ले रहा है लखनऊ के मजे लखनऊ में पार्क में हाथी पार्क वार्क में वो जो बनाया बसाया गया था वो पार्क उधर साइड अम्बेडकर पार्क पता नहीं कुछ है वो तो वहाँ पर घूम रहा हुआ हाथी वाती के मजे ले रहा उधर वहाँ मूर्तियाँ देख रहा करोड़ों की मूर्तियाँ। ये घर के चावल है क्या? हाँ, सरबती सरबती ये देख लो भैया हमारे नानी जी के गांव में खेत में सरबती चावल होते हैं ये देखो कोटदार के हैं ये नहीं है कोटदार के कालागढ़ के हैं ये कोटदार के हैं ताने के शादी जी जब वो ताने की शादी में मामा ने गिफ्ट कर रहे हैं सबको दिए ये ककट दिए पर हूं तो प्यूल तो प्यूला छाप रो रहे हैं खूब हमारी रुचि पिंचू के बड़ी बहन दीदी की बेटी पीहुल है उनकी एक बेटी तो वो साथ में अब बोलने लग रही है पहले छोटी सी थी 2 साल पहले हमने देखा था उसे जब चार पाँच छह महीने की थी वो तभी देखा था उसके बाद से हमने देखा नहीं चल रही दो साल की होगी दो साल की नौ उम्र में नहीं हो गई पूरी हो गई दो साल की नौ उम्र में तेज है सब कुछ बोल पता एक भी छुड़ी जब तक हर चीज फलों के नाम हर वो खा से क्या होता कबूतर खा से खरगोश सब भैया बहुत कलर नाम भूली क्या क्या भूली होता अब तुम्हारी स्कूटी लो मम्मी ने तैयार कर दिया चावल रेडी एकदम सब कंकड़ कंकड़ सब छांट दिए भूली मैंने कंकड़ तो नहीं है स्कूटी कलर